अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है 4.1 है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेल ऑफ फाई। फाई आपको दिया हुआ है। डेल फाई का क्या मतलब है? इस फाई का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से और जेड के लिहाज से। डेल फाई होता है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जी एंड पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड की। आपने क्या करना है, इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। देखें एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना तो वाई को आपने कांस्टेंट डील करना है, ठीक है। जैसे उसने कॉस हाइपरबॉलिक वाई लिखा तो ये आपका कांस्टेंट डील होगा। सिर्फ आपने किसका डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। सिमिलरली जब आपका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, जब इसका इसी फंक्शन का आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लोगे तो साइन एक्स को एज अ कांस्टेंट डील करना है और कॉस हाइपरबॉलिक को, कॉस हाइपरबॉलिक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबॉलिक वाई, ठीक है। आप जब आपने पार्शियल फाई और पार्शियल जेड लेना है तो इसमें एक्स का कोई भी फंक्शन नहीं है तो ये पूरा ही कॉन्स्टेंट एक्स के लिहाज से, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे और जे की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डेल फाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही करना है। पार्शियल फाई आपने कैलकुलेट करना है। अब देखो पार्शियल एक्स के लिहाज से डायरेक्टिव ना तो वाई जेड है ना, तो वाई जेड तो कॉन्स्टेंट है, इसका डायरेक्टिव क्या हो जाएगा, जीरो। जेड एक्स है तो जेड आपका स्केल यानी कि कॉन्स्टेंट है और एक्स का डायरेक्टिव क्या हो जाएगा, वन। एक्स वाई का एक्स वाई है तो y कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन। और एक्स वाई जी है तो एक्स वाई जी में वाई जी क्या है, कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x के लिहाज से वन। इसी तरह y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, z के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, आपने पुट किया, यानी जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है सिर्फ उसी को वेरिएबल कंसिडर करना है और बाकी तमाम टर्म्स को आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट डील करना है। इसी तरह ये आपके पास है थर्ड पार्ट है, इसकी वैल्यू एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स। अब एक्स वाई जी है, अदर देन एक्स है तो एक्स वाई जी का आगे आपने डेरिवेटिव लेना है तो एक्स वाई जी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी तीनों प्रोडक्ट है, वाई जी स्केल कॉन्स्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन। इसी तरह एक्स वाई जी का डेरिवेटिव लेना है वाई के लिहाज से तो एक्स जी आ जाएगा क्योंकि वाई का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। एक्स वाई जी का डेरिवेटिव आपने क्या लेना है, जेड के लिहाज से लोगे तो जेड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन। सिमिलरली आपने इसकी वैल्यू किस में फाइंड आउट करनी है, वन जीरो और वन पे, यानी एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू वन। तो आपने ये पहले आपने डेल फाइव फाइंड आउट कर लेना है, फिर आपने उस पॉइंट पर आपने वो वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, वो वैल्यूज आप सब्सिट्यूट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका पार्ट नंबर फोर भी सेम इसी तरह ही कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू भी सिमिलरली ऐसे ही किना है। क्वेश्चन नंबर टू भी इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया है सेकंड वाला एज इट इज प्लस सेकंड वाले का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला एज इट इज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एक्स के लिहाज से डायरेवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डायरेवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स वाई स्क्वायर का डायरेवेटिव जीरो, क्योंकि एक्स के लिहाज से डायरेवेटिव ले तो वाई भी कांस्टेंट है और जेड भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद ई की पावर का आपने डायरेवेटिव ले लेना है, यानी फर्स्ट फंक्शन का डायरेवेटिव लिया सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकेंड का डायरेवेटिव। जब आप सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स ही आता है, ये अदर देन एक्स है क्योंकि ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, ई की पावर में माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, वो कैसे आएगा, पावर शुरू में पावर एक कम, वन बाय टू को नीचे उतारिएगा, वन बाय टू शुरू में, वन बाय टू से पावर एक कम करेंगे तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा और अंदरवाइज इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आपके पास टू एक्स आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये एक्स के लिहाज से उसने सारा सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद उसने एलसीएम लेके इसको सारा सिंप्लीफाई कर लिया, ये देख लीजिएगा जो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव होते हैं, नहीं देखो ये लंबा मेथड है, ठीक है। पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स, आपने एक डेरिवेटिव निकाले ना पार्शियल फाई का पार्शियल एक्स के लिहाज से, सिमिलरली पार्शियल फाई का वाई के लिहाज से भी वैसे ही आएगा, पार्शियल फाई का जेड के लिहाज से भी उसी तरह आएगा। जहाँ जहाँ एक्स है आपने उसको किससे रिप्लेस कर देना, वाई से रिप्लेस कर देना है। वाई के लिहाज से डेरिवेटिव है तो वाई, जेड के लिहाज से क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता तो इसलिए ए के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं पार्शियल फाई का एक्स के लिहाज से, फिर बाकी हम जस्ट क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखिए ठीक है, तो आप उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है, ये इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये आपने एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट कर लिया, आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपने आर लेट कर लिया क्योंकि इस थ्रू आउट द क्वेश्चन थ्रू आउट द चैप्टर में आपने आर क्या लिख करना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेना है। आर के आपने मैग्नीट्यूड लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, तो
और आपने इसका डेरिवेटिव लिया, एक्स के लिए पार्शियल फाई का पार्शियल एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, तो देखो जो आपके पास ऊपर वैल्यू आ रही है ना, टू एक्स ई की पावर वो आर की मैग्नीट्यूड ई की पावर माइनस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, तो अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आर के, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 1/2 ये भी आर की मैग्नीट्यूड के बराबर वो भी आर। तो सिमिलरली तो आपके पास दूसरा किस फॉर्म में आ जाएगा, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रिप्लेस कर देना वाई, और जेड के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो जहाँ जहाँ जेड है आप ले भी सकते हो लेकिन मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए एक्स के लिहाज से एक दफ़ा ले लेते हैं, फिर सिमिलरली करके हम वाई के लिहाज से भी वैसे लिख लेते हैं और जेड के लिहाज से भी हम लोग सेम वैसे ही लिख लेंगे। तो पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट की, पार्शियल फाइव पार्शियल वाई की भी और जेड की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स वाई वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया, यानी कि फर्स्ट टर्म को अलग लिख लिया और सेकंड वाली टर्म को अलग लिख लिया, तो पहले वाली टर्म में से टू ई की पावर माइनस आर कॉमन निकल आएगा, तो पीछे की टर्म बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर ई की पावर माइनस आर कॉमन निकल तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये आर क्या बन जाएगा आपके वैक्टर्स बन जाएंगे, ये कॉमन निकले। ये ऐसे ना आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 सेम इसी पैटर्न से है, आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 अगर यहाँ से थोड़ी बहुत नहीं समझ आती तो आप एग्जाम्पल नंबर 7 देख सकते हैं, वो सेम इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 भी थोड़ी बहुत इसी तरह, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है बेसिकली ये एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एग्जैक्टली यहाँ से आगे ना जब आप आर की वैल्यू लेट करते हो और इस तरह करते हो आगे, तो सेम आगे एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 में भी यही प्रूव है, उसका भी आंसर यही आता है। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह आपने डेल निकालना है, डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के केस 2-1 और -2 पे और 1 पे, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आ जाती हो जाता है, उसके बाद है आगे लाप्लास ऑपरेटर है, तो लाप्लास पहले एक दफ़ा डेल वैल्यू, लाप्लास ऑपरेटर आपको पता क्या होता है, पार्शियल पार्शियल स्केयर एफ और पार्शियल एक्स स्केयर, यानी डबल डेरिवेटिव लेना है, पहले डेल अप्लाई करना है फिर दोबारा डेल अप्लाई करना है, तो पहले आपने एक दफ़ा डेल की डेरिवेटिव निकाल लेना, फिर अगेन आपने उसका डेरिवेटिव, इसी तरह वाई का भी, और इस तरह आपने क्या करना है जेड का भी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, फिर आप उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखो उसने पहले तो वो डेल फाई देता था तो डेल ऑपरेटर लगाते थे, अब उसने क्या किया डेल ऑपरेटर दिया फाई निकालना है, ठीक है, तो डेल ऑफ फाई उसने दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हमें पता है डेल फाई किसके बराबर होता है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के, पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल जेड के, ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लेंगे, दोनों वेक्टर सेम है तो आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसी तरह हमने बेसिकली फाई की वैल्यू निकाली, तो पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल एक्स इसके बराबर एक्स के, पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल वाई वाई के, पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल जेड किसके बराबर है जीरो को। आप क्या एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, अब देखो अगर एक्स के लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट जो ऐड होगा ना वाई और जेड में आएगा, उसको साई वन कहेंगे। इसी तरह जब वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो कांस्टेंट जो आपके पास होगा वो आपके पास आ जाएगा साई, आपके पास आ जाएगा एक्स और जी में, और जब आप जी के लिहाज से कांस्टेंट ऐड करोगे तो जीरो की वैल्यू कांस्टेंट है सी, तो अब अगर तो आपकी फाई की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, देखो पहले इंटीग्रेट किया तो फाई की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर बाय टू, जब आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो फाई की वैल्यू आपके पास आ रही है वाई स्केयर प्लस जेड, तो टोटल फाई आपने लिख लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई एक्स स्केयर ओवर टू प्लस वाई स्केयर ओवर टू प्लस सी, सी कोई भी कांस्टेंट है आप उसको साई का नाम देना चाहो, सिंपल साई भी लिख सकते हो, वैसे सी लिखना चाहो, तो इसी तरह जब एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऐड होगा वाई और जी, वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट ऐड होगा, और जब जेड के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट ऐड होगा, ठीक है, तो लेकिन जब आपने अगर तो फाई तीनों डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने जब टोटल फाई लिखना है तो एक्स के लिहाज से जो इंटीग्रेट किया उसकी वैल्यू जो वाई के लिहाज से और जो जेड के लिहाज से तीनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपका आंसर सेम आ रहा है ना फाई का, एक्स के लिहाज से भी इंटीग्रेट किया वही, वाई के लिहाज से भी वही और जेड के लिहाज, तो आपने जब टोटल फाई लिखना है तो सिर्फ एक दफ़ा आपने ऐड करना है, सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, उनको तीनों दफ़ा बार बार नहीं लिखना, ठीक है। सिमिलरली इसका जो पार्ट टू है वो भी इसी तरह ही करना है, ठीक है, तो ये सारा फाई आपके पास ये आ जाएगा, एक्स के लिहाज से किया, वाई के लिहाज से और जेड के लिहाज से किया, फिर टोटल में जब आप ऐड करोगे तो टोटल तीनों को ऐड कर लेंगे और प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके नोट्स मैंने आपको सॉल्व करके सेंड कर दिए हैं ग्रुप में, ठीक है, ये यहाँ से मिसिंग है, तो ये आपको तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 ये लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है 7,
क्वेश्चन नंबर 7, उसने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया हुआ है। एवेल्यूएट द डायरेक्शन डायरेक्शन डेरिवेटिव थे जिसकी डायरेक्शन, अब देखो उसने डायरेक्शन डेरिवेटिव फाई का निकालना है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे निकालना है, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, पी और क्यू की डायरेक्शन में निकालना है। और क्यू पॉइंट, पहले पी क्यू, आपने पी क्यू वैक्टर निकाल लेना है। पी क्यू वैक्टर कैसे निकलेंगे, ओ ओ क्यू माइनस ओ पी, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, पी क्यू की डायरेक्शन में निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं उसका आपने क्या निकालना होता है, यूनिट वैक्टर निकालना होता है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं, फाई का पहले डेल ऑपरेटर निकाल लेना है, डेल ऑफ फाई निकालना है जिस पॉइंट पे भी उसने कहा, अब पॉइंट पी पे उसने कहा है तो डेल फाई निकाल कर आपने वो पॉइंट उसमें पुट करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले आपने फाई का डेल ऑपरेटर कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पे उसने दिया होगा, उस पॉइंट पे 1 2 3 पे किसकी डायरेक्शन में निकालना है, पी क्यू डायरेक्शन में निकालना है। तो पी क्यू वैक्टर निकाल कर आपने उसका क्या ले लेना है, यूनिट वैक्टर ले लेना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर लेकर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसने डेल फाई निकाला है, डेल फाई निकालने के बाद किस पॉइंट पे निकालना है, 1 2 3 पे, आपने 1 2 3 पे फाइंड किया, फिर पी क्यू वैक्टर निकालना है तो पी क्यू वैक्टर क्या निकलेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, आपने वो वैक्टर निकाला, उसका यूनिट वैक्टर निकालना है तो यूनिट वैक्टर कैसे होता है, वैक्टर और वैक्टर की मैनी छोड़, उसकी मैनी छोड़ ली, दोनों को डिवाइड किया, अब इन दोनों का आपने आपस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसने कहा डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है फाई का एट पी पे, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, यू की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, यू की, तो यू की डायरेक्शन में निकालना है तो इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर लेना। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, फाई दिया है किस पॉइंट पे निकालना है, पी पे, और यू आपको दिया, पहले आपने डेल फाई निकालना है, पहले आप डेल फाई निकालेगा किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे निकालना है, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, यू की, तो यू की डायरेक्शन में निकालेंगे, उसका क्या चाहिए आपको, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करने, इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, अब इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह ही है सेम। ठीक है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी इसी तरह ही है कि फाई दिया हुआ है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, फाई दिया, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, डेल फाई निकालना है, किसके उस पॉइंट पे निकालना है जिस पे उसने दिया हुआ है, पी पॉइंट, किसके डायरेक्शन में निकालना है, यू डायरेक्शन में निकालना है, तो आपने उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, ये भी सेम इसी तरह ही है। ये देखें, ये भी इसी तरह, इसकी डायरेक्शन में निकालना है, इस पॉइंट पे आपने डेल फाई निकाला, उस पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन में निकालना है, ई की डायरेक्शन में निकालना है, तो आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद है आपके पास, अब देखो ये अलोंग द जेड एक्सिस, अब ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है, उसने कहा है कि ये वेक्टर की डायरेक्शन डेरिवेटिव किसके अलोंग जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, तो इसका मतलब है जेड एक्सिस पे, क्योंकि आई एक्सिस एक्स एक्सिस पे आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस पे जेड यूनिट वेक्टर होता है, जेड एक्सिस पे के यूनिट वेक्टर होता है, तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो होता है, जो जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो होते हैं, तो ये अलोंग एक्स जेड एक्सिस है, तो इसलिए इसमें सिर्फ के हो एक्स और वाई दोनों ही जीरो होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर जो निकालना है किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए, तो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, तो के यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 आपने प्रूफ करना है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाई थी, एग्जाम्पल नंबर थी वो आपकी एग्जाम्पल नंबर थी आपकी 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्ट इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, जिसमें फाई आपने पुट करना था, डेल ऑपरेटर अप्लाई करना था फाई पे, फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर है, तो क्या, और आर आगे फंक्शन था आपका एक्स वाई जी, तो जिस पे आपने चेन रूल अप्लाई किया था, तो उसका आंसर था फाइव प्राइम ऑफ आर, आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर भी कर सकते हो। ठीक है, फाई ऑफ एन है तो आपने इसके फाई ऑफ एन डेल ऑपरेटर लगाना है, तो पावर शुरू में पावर एक कम और अंदर वाइज इसका डेरिवेटिव फाई ऑफ एक्स ओवर फाई पार्शल फाई ऑफ पार्शल एक्स। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपने कर सकते हैं, ये तो प्रूव है कि डेल पहले सिंगल पार्शल डेरिवेटिव लगाना है, फिर डबल लगा देना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, पहला फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकेंड का डेरिवेटिव पे प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर अगेन आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेना है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये हो जाते हैं। सिमिलरली ये भी ऐसे ही करना है,
आपका क्वेश्चन ये भी सेम इसी तरह आर लिया, आर यही आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, उसकी मैग्नीट्यूड ली, मैग्नीट्यूड लेने के बाद आपने उसका स्क्वायर ले लिया, तो दोनों ये आपने याद रखना है कि पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स। ये भी मैंने भी आपको इसका सोल्यूशन सॉल्व करके सेंड किया है पिक्चर में, यहाँ पर भी इसने सॉल्व किया हुआ है कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दोनों तरफ आपको क्योंकि पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या दोनों तरफ डेरिवेटिव ले पावर शुरू में पावर एक कम, टू आर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू आर, टू एक्स के बराबर टू टू से कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू हो जाए एक्स ओवर आर। सिमिलरली जब पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई लोगे तो वो वाई ओवर आर होगा, जब पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड लोगे तो वो जेड ओवर आर होगा, वही वैल्यूज से सिमिलरली करके वैल्यूज आपने पुट किए हैं। आप उसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करना है, लंबे क्वेश्चन है लेकिन हो जाते हैं, आप उसमें वैल्यू पहले एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना फिर अगेन डेरिवेटिव लेना, ये तो तीनों डेरिवेटिव्स बारी बारी खोले में, आप एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लो, यानी एक्स के लिहाज से पहला सिर्फ फंक्शन कर लो, पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर पहला कर लो, पहले का डेरिवेटिव भी ले लें तो फिर सिमिलरली कर आप पार्शियल स्केयर वाई स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर भी कर सकते हैं। ये तो तीनों अलग अलग से सॉल्व किए हुए हैं, आप एक सॉल्व करके जैसे एग्जांपल में किया हुआ है एक्स के लिहाज से आप सॉल्व कर लो सारा, ठीक है, और सिमिलरली करके एक्स को फिर वाई के लिहाज से जब करना होगा तो वाई को रिप्लेस कर देना, जेड के लिहाज से तो जेड को रिप्लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरह ही है, ये आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आप कर सकते हो ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका इसका सेकंड पार्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यानी कि आपने आर की मैग्नीट्यूड लेनी है, किसके बराबर आती है वो आर यूनिट वेक्टर के बराबर आती है, तो आपने डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड है पावर शो में पावर एक कम, जब हाफ में से माइनस एक वन करोगे तो वो माइनस हाफ आ जाएगा तो ओवर में आ जाएगा, और अदरवाइज जिसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू एक्स, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, वाई के लिहाज से जेड के लिहाज से तो आप उसकी वैल्यू पुट करो आई जे और के में डेल में तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर ये भी देख लें एक दफ़ा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ए कांस्टेंट वेक्टर है, उसने कहा है कांस्टेंट वेक्टर तो ज़रूर पता कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव आना ही नहीं है, तो आपने डेरिवेटिव किसका लेना है ए डॉट आर पे डेल अप्लाई करना है, तो ए कांस्टेंट है तो उसका तो डेल ऑपरेटर अप्लाई होना नहीं है, तो सिर्फ डेल ऑपरेटर किस पर अप्लाई होना है आर पे, तो आपने आर वेक्टर ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर आप ले लें ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के, तो दोनों का पहले आपने डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किस पे पार्शियल, यानी कि ए आर क्योंकि डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है ना, तो डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ए आर का एक्स के लिहाज से, ए आर का वाई के लिहाज से और ए आर का जेड के लिहाज से, तो ए वन ए टू ए थ्री तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव आना ही नहीं, तो जब ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना आर के साथ, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ए वन एक्स आएगा, ए टू वाई आएगा और ए थ्री जेड आएगा, तो जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आ जाएगा वन, और ए वन मल्टीप्लाई हो रहा तो एज इट इज़ आ जाएगा, ए वन ए टू और ए थ्री आ जाएगा, तो ये कंप्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है डेल अप्लाई करना, ग्रेडियंट वर्ड जहाँ लिखा होता है उसका मतलब होता है ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल, मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में ग्रेडियंट ऑफ फाई उसने एफ निकालने के दिया है, आगे एफ किसका फंक्शन है आर का फंक्शन है, और आर एफ फंक्शन है आर का और आर आगे फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, तो जब ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, पहले आपने फाई का क्योंकि फाई आपके पास है एफ, तो आपने पहले एफ का डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, फिर आगे अदर देन आर का डेरिवेटिव आपने लेना है एक्स वाई जेड, चेन रूल लगेगा इसके ऊपर। तो देखें फाई दिया हुआ है उसने एफ और एफ के अंदर उसने दिया हुआ है आर, आर किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, तो पहले आपने एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो एफ प्राइम, पहले एफ प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, अब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा, अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या आएगा पावर शुरू में पावर एक कम, और अंदर उसके अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव टू एक्स आ जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो x और नीचे क्या है आर की मैग्नीट्यूड बनती है, और वो क्या है एफ प्राइम ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड, तो वो आर आता है। सिमिलरली y के लिए हासिल होगे तो ये आ जाएगा, और z के लिए हासिल होगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास
सिमिलरली आप इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ये है कि ए डॉट ए दिया है, फाई दिया हुआ, ए वेक्टर दिया है, तो पहले क्या करना है, पहले डेल फाई, डेल को फाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, फाई ऑपरेटर यूज़ कर लेना, फिर उसका ए डॉट ले लेना। पहले फाई डेल डेल फाई आप फाइंड आउट करेंगे, फिर ए के साथ उसका डॉट पॉइंट ले लीजिएगा, इसी डेल फाई निकालेंगे, फिर ए का क्रॉस लेंगे, क्रॉस पॉइंट ले लेंगे, किस पॉइंट पर उस वैल्यू पॉइंट उसने फाइंड आउट करने के लिए दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है डेल फाई, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या है डेल फाई निकालना है, उसका किसके साथ डॉट पॉइंट लेना है, आर के साथ डॉट पॉइंट ले लेना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में उसने दिया हुआ है फाई और साई दिया हुआ है, तो डेल फाई निकालना है पहले, फिर डेल साई निकालना है, फिर दोनों का डॉट पॉइंट लेकर फिर उसके ऊपर डेल अप्लाई करना है। डेल फाई निकाला, ठीक है, फिर डेल साई निकालना है, फिर उन दोनों का आपने क्या लिया है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद जो आंसर आता है उसके आपने ऊपर क्या अप्लाई करना है डेल, उसके ऊपर डेल अप्लाई करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा से, क्योंकि डेल ऑफ फाई ऑफ आर जो आपने पीछे निकाला है वो निकालने के बाद उसके ऊपर फिर आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ऐसे ही है, क्या ये पीछे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह है कि पहले आपने क्या निकालना है, क्योंकि डेल के आगे जो फंक्शन आता है ना हमेशा डेल उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, डेल जब अप्लाई हो रहा था ना डेल के आगे जो फंक्शन आता है, जैसे ए डॉट डेल आर है, तो डेल ने आर के ऊपर अप्लाई होना है, ए तो जस्ट वैसे ही उसके साथ डॉट पॉइंट ले रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे ए डॉट डेल पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो ए ए के ऊपर डेल नहीं अप्लाई होना, डेल के आगे जो फंक्शन आता होता है उसके ऊपर अप्लाई होना। अब जब आर के साथ आके मल्टीप्लाई होगा आर, तो डेल ने आर के ऊपर आके अप्लाई होना है, तो ये आंसर आ गया, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट आ गई है 4.1। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप फ्रेंकली पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।